आपके अंदर जो भी परिवर्तन आया है, जो भी डिफरेंस आया है, जो भी आपकी एनर्जी ऊर्जा परिवर्तित हुई है, ये आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा डरा रही है। उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे कि वो आपको इस रूप में देखें, कहीं ना कहीं ये उनकी पूरी नहीं हुई एक्सपेक्टेशंस, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं कि आप ऐसे कैसे निकल गए। आप तो निकल ही नहीं सकते थे, आप तो बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा एक ड्रिवन इंसान होता है ना, वो उस टाइप के इंसान रहे होंगे आप। तो आपसे उनको ये उम्मीद नहीं थी कि आप कभी भी इन चीज़ों से निकल पाएंगे। तो आपके हेटर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी के लिए ये बना हुआ है कि जहाँ पर उन्होंने ये उम्मीद की थी कि आपका दिल टूटेगा, आप परेशान होंगे, आप किरचा किरचा हो जाएंगे, आप टूट जाएंगे, वहीं पर आप उठ खड़े हुए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप ऐसी ऊर्जा में कैसे आ सकते हो जहाँ पर आप अब उनसे पूरी तरह से अप्रभावित हो? असल में हुआ यह है दोस्तों कि आप जो पास्ट में उनके साथ अटैचमेंट जोड़ के बैठे थे, आपने हर वो अटैचमेंट उनके साथ ख़त्म कर ली। दुख सुख के जंजाल से आप बाहर हो, आप इस एनर्जी में अब नहीं जा सकते। जो आपने, मैंने कहा ना, आप हर चीज़ से निकल चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो। ये आपके हेटर्स अभी तक बात को ना पचा नहीं पा रहे हैं, ये उनके लिए थोड़ा पचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने आपको जिस भी रूप में देखा है, जहाँ पर आप बहुत इमोशनली टूट जाते थे, आप बहुत परेशान हो जाते थे, आपके लिए चीज़ों को संभालना मुश्किल होता था, और जिन चीज़ों को लेकर उनको इन्जॉयमेंट होता था, उनको खुशी मिलती थी, अब वो खुशी उनको नहीं मिल पा रही है। उनका सरप्राइज होना बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि उन्होंने कभी आपको इस स्ट्रांग रूप में देखा नहीं था। ठीक है, ये वो जानते थे आप क्षमतावान हो, लेकिन ये वो नहीं जानते थे कि आप कभी अपनी क्षमता को पहचान पाओगे। ये उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, ये उम्मीद आपने उनकी तोड़ी है। आपके हेटर्स की बहुत बड़ी उम्मीद आपने तोड़ी है, आपने उनको ये बता दिया है, जता दिया है कि आप वो नहीं हो जो वो आज तक आपको समझते रहे, आप कुछ और ही निकले। आपके हेटर्स सरप्राइज हैं, आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा आपके इस रूप को पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको देखकर आपको पहचान नहीं पा रहे हैं आपके हेटर्स। मैंने कहा ना, आपको धोखा देने की कोशिश करने वाले खुद ही धोखा खा बैठे। वक्त ने और आपकी ऊर्जा ने उनको इस प्रकार से चकरा दिया, ठीक है, इस प्रकार से धोखा दिया उनको। धोखा वो आपके साथ कर रहे थे, लेकिन धोखा उनको मिल जाएगा ये उनको कभी पता नहीं था। अपनी जो चंट चालाकियाँ होती है ना, उन पर इतना ज़्यादा यकीन था कि वो कभी ना पकड़े जाएंगे, ना कभी उनका कोई रूप सामने आएगा, आप उन्हें कभी नहीं पहचान पाओगे, आप तो बस उनको अपना वेल विशर समझते रहोगे, उनको फॉलो करते रहोगे, वो आपकी बर्बादी की दास्तान लिखते रहेंगे। बट अब ये पॉसिबल उनके लिए किसी भी तरीके से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप हायर स्पिरिचुअलिटी में हो, बहुत उच्च लेवल की स्पिरिचुअल असेंशन में आप जा चुके हो, जहाँ पर आपकी लाइट को हरा पाना उनके लिए मुश्किल है। आपकी जो क्षमता है, आपकी जो पावर है, आपकी जो लाइट है, आपकी जो डिविनिटी है, उसको हरा पाना, उसको बीट कर पाना अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपके हेटर्स का ये हाल है, आपके हेटर्स बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी हर उम्मीद टूटी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको स्टक करना चाहते थे, खुद ही स्टक होकर बैठे हुए हैं, स्टक हैं, अपनी लाइफ में कोई ग्रो नहीं कर पा रहे। और सही बात बताऊं, अपनी लाइफ में ग्रो करना उनका कभी इंटेंशन रहता भी नहीं है। दूसरों को दबा के, कुचल के, उनकी क्षमताओं को, उनकी शक्तियों का फायदा उठा लेना, उनकी लाइट को अपने काम में ले लेना, उनकी क्रेडिट्स को अपने नाम में लिख लेना, ये इनके पैंतरे होते हैं, है ना। तो जहां पर आपको स्टक करना चाहा था, वहां पर आज खुद स्टक होके बैठे, क्योंकि अब आपने वो हर रास्ता बंद कर दिया है जहाँ से आपके तरफ से कुछ भी उनको जा पाए, मिल पाए, और वो समझ पाए कि हाँ, वो अपने आप को पावरफुल फील कर पाए, पावरफुल समझ पाए। ऐसा कुछ भी आपने रास्ता ही नहीं छोड़ा है उनके लिए। आपके हेटर आपकी डिविनिटी की वजह से अपनी जगह पर, आपके जो डिवाइन पावर्स है ना, हायरोफेंट के बाद एट ऑफ सोर्स आना, आपके जो डिवाइन पावर्स हैं, उन्होंने आपके हेटर्स को इस लेवल का स्टक कर दिया है, इस लेवल का स्टक कर दिया है कि अपनी जगह पर फ्रीज होके खड़े हैं, आंखों पे पट्टी बंधी है, पैरों में चलने की क्षमता है पर चल नहीं सकते, हाथ बंधे हैं, ठीक है, आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन इतने जो आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते थे, आज खुद इतने मूर्ख हैं कि
जो द्रुत गति से चला करते थे, जो द्रुत गति से एकदम चीज़ें किया करते थे, आज वही लोग स्टक होके पड़े हैं। बहुत बहुत तेज लेवल का अटैक होता था इनका आपकी साइड, बहुत तेज गति से चीज़ें करते थे आपकी तरफ, आज खुद स्टक होके बैठे हुए, आज एक कदम भी आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, एक कदम भी आगे चलने की स्थिति में नहीं है। आपके हेटर्स जो बहुत अपने आप को समझते थे कि ऊर्जावान है, वो राइट में असल बात ये थी कि वो ऊर्जा आपकी हुआ करती थी, जिसका उपयोग करके वो जीवन में अपने आप को समझते थे कि वो बहुत ऊर्जावान है, वो बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी मैनिपुलेट कर देंगे, वो कुछ भी हैंडल कर देंगे, ये डिवाइन वगैरह, ये पावर्स वगैरह, ये एंजल्स वगैरह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई नहीं है उनके सामने, वो जहाँ पर जो बोल देंगे वही होगा, वो जहाँ पर मैनिपुलेटिव पावर्स इतनी थी ना अपनी बना के रखी हुई थी मैनिपुलेशन, तो उसकी वजह से इतना अटूट यकीन था अपने ऊपर कि वो कुछ भी करें ना वो पकड़े जाएंगे, उनका किया सब कुछ सफल होता है, उनका किया सही गलत अच्छा बुरा सब कुछ सक्सेसफुल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सोचने वाले लोग आज खुद बंद के खड़े हैं, बंद के पड़े हैं, ठीक है, एक कदम भी आगे बढ़ाने की शक्ति में नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कदमों में कि आगे बढ़ सके। वो कहते हैं ना पांव खुले हैं लेकिन बंधन में हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हाथ पांव पकड़ के कहीं जेल में डाल दिए गए हैं, नहीं, सब होते हुए भी एक कदम आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को देख पाने की स्थिति में, अपनी लाइफ को मैनेज करने की स्थिति में बिल्कुल भी आपके हेटर्स अपने आप को नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड की, बहुत ज़्यादा शॉक्ड की एनर्जी में है, ठीक है। तो आपकी खुशियाँ देख कर पूरी तरह से अपने आप को रुका हुआ फील कर रहे हैं। देखो इन लोग की सजा पता क्या होती है, आपकी ग्रोथ इनका कर्मा, ये बात हमेशा याद रखना। जब आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे, जब आप जीवन में कुछ भी, देखो पहले क्या होता था कि जो कुछ भी आप पे अटैक डालते थे, आपका रोना धोना, आपका सफाइयाँ देना, या आपका अपने आप को कोसना या गिल्ट में जाना, या कुछ भी कह लो आपके जो भी पैटर्न रहे हो, वो इनको पावर देते थे, वो इनको एनर्जी देते थे। अब हुआ ये कि जब आपने इस चीज़ को समझा है नो पेंटिकल्स कि मैं अपनी ही चीज़ें देख लूँ, मैं अपने आप को भी, मतलब आप अपने ही ऊपर अपने कर्मों पे ही फोकस हो गए। एक वक्त ऐसा आया ना जब आपको समझ आया कि मेरे ही कोई कर्म होंगे, अभी मैं फोकस्ड होके मैं क्या ही ध्यान दूँ, करने से भी कुछ हो तो रहा नहीं है, तो मैं क्यों ना मैं अपनी ही स्थितियों पर ध्यान देकर और अपने आप को ही संभाल लूँ। वो वक्त था जब आपने इन लोगों को इनडायरेक्टली एनर्जी देना ही बंद कर दिया, क्योंकि आपने रिएक्ट करना भी बंद कर दिया, आपने सफाई देना भी बंद कर दिया, आपने अच्छा बुरा बोलना भी बंद कर दिया, आपने सपोर्ट और मदद मांगनी बंद कर दी, तो आपको मदद अपने आप ही मिल गई, अपने आप ही। जब खुद पर फोकस हो गए ना, तो ये बात याद रखना डिवाइन उसी पल का वेट कर रहे होते हैं कि भाई तुम निकलो तो सही, तुम तो इस इंसान को छोड़ने को ही राजी नहीं हो, है ना, तुम्हें क्यों प्रूव करना है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सच्चे हो, तुम नेक हो, तुमने नहीं किया है। डिवाइन आपके उसी चीज़ का तो वेट करते हैं, उसी पावर का तो आपकी वेट करते हैं। उस पावर में जब आप आ गए, आपको उठा हुआ देखकर, आपको खड़ा देखकर, आपको अपनी जगह पर देखकर, ये लोग बहुत ज़्यादा शॉक में हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि इस चीज़ के अंदर आपकी कोई मेहनत नहीं लगी है, आपको तो बस ऐसे तुक्के से कुछ भी मिल गया, अभी तक भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, नहीं बाज नहीं आएंगे, खुद स्टक है अपनी लाइफ में, खुद रुके पड़े हैं, शॉक्ड हैं, कहीं भी कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, कहीं पे आगे बढ़ने का कुछ नहीं दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है कि अपना कर्मा चुप रहकर शांत रहकर क्लींस करें, नहीं, नई प्लानिंग कर रहे हैं। अब जो कुछ भी आपने गेन किया है ना, उसी को आपका कसूर बना देने पर तुले हुए हैं, आपका कसूर बना दें, आपको कुछ भी मेहनत से नहीं मिला है, और जब आपको मिल गया है, आपके सेल्फ लव को आपकी गिल्ट, आपका गिल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये क्या कर रहे हैं, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि आप आगे निकल गए, क्योंकि आपने अपने आज चीज़ों को संभाल लिया, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये आपको गिल्ट में डालना चाहते हैं या लोगों की नज़र में आपको गिराना चाहते हैं, ये बोलकर कि आपको तो तुक्के से सब मिला है, बिना मेहनत के, किस्मत से, तकदीर से आपको मिला है, और इसीलिए आप इनको छोड़ रहे हो, क्योंकि आप बहुत घमंडी हो, आप अभी इनको सपोर्ट मदद
किसी भी किस्म का इनका साथ ना देना जो चूज कर रहे हो उसको, ये आपका घमंड बता रहे हैं, आपके अंदर प्राउड आ गया है, आप बहुत प्राउड हो गए हैं, आप बहुत मतलबी हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, आप इनको किसी भी तरह से हेल्प एंड सपोर्ट, मतलब इन लोगों का मैं क्या ही बोलूँ, ये आपसे जो हेल्प और सपोर्ट चाहते हैं ना, जो आपका अपनी लाइफ में एग्जिस्टेंस चाहते हैं, वो भी दादागिरी के थ्रू चाहते हैं, इनका वही वही ना, इनका सबसे बड़ा मतलब इसको कहते हैं ना, इनको पता ही नहीं है इनके पाँव में कुल्हाड़ी मार रही है, ठीक है, इनका सबसे बड़ा जो बनेगा ना इनका रोग, वो यही बनेगा इनका नेगेटिव थिंकिंग, जो नेगेटिव तरीकों से चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। देखिए इनका मोटिव क्या है, इनकी लाइफ में इम्बैलेंस आया क्योंकि इनको अच्छी खासी सप्लाई जो थी वो इनके हक से निकल गई, ठीक है, अभी वो लाइफ में इम्बैलेंस आया, अभी इनका मोटिव क्या है, मोटिव पे जाएं अगर हम, जीवन में किसी का भी मोटिव यही होता है, हमारा भी एक वक्त पे यही मोटिव रहा कि हम अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आए, आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आए, है ना, अभी ये भी वही चीज़ कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आए, लेकिन आपके तरीके कुछ और थे, इनके तरीके कुछ और थे, और है जब इनकी सबसे बड़ी सप्लाई निकल गई तो इनको लग रहा है कि अब ये कैसे लेकर आए बैलेंस, तो अब ये छल से वो बैलेंस लेकर आने की, वो अभी भी तरीके गलत ही लगाएंगे, तरीके गलत ही लगाएंगे, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इनकी गलतियों की वजह से इनको छोड़ा गया है, इनकी गलतियों की वजह से इनको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, नहीं, इनको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, जब आप उठ खड़े हुए, जब आप बन गए कुछ, तो आप अब इनको हेल्प सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको इनका नाते रिश्तेदार होने की वजह से आपका फर्ज बनता है करना, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने स्पाउस के लिए, चाहे वो कितना ही आप तो उसने पाँव काटा हो, कितना ही आपके उसने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो, आपका आपका धज्जियाँ उड़ा दी हो, लेकिन आपका ये फर्ज फिर भी बनता है, आपको आपका फर्ज याद दिला के आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे, लेकिन लेकिन आपको नीचा दिखाकर, चाहते हैं कि चार लोगों में आपको नीचा दिखा दिया जाए, वो चार पांच 10 लोग 20 लोग 50 लोग आपको कोसेंगे, आपको बोलेंगे कि आप फॉरगिविंग नहीं हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, हर पति पत्नी को ये समझना चाहिए, या हर परिवार के मेंबर को ये समझना चाहिए कि अपने परिवार के सपोर्ट करे, उनके साथ रहे, ऐसे ऐसे तरीकों से आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो कैसी, मतलब एक बचकाना कोशिश है, इसके थ्रू आप कैसे एंटर हो जाओगे, किसी की बुराई करके आप किसी की लाइफ में कैसे एंट्री पा जाओगे, और ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो जो 2 5 10 20 50 लोगों का ये आपको डर दिखाने की कोशिश करें, आप तो उस डर से निकल ही चुके हो, जिसने पकड़ ही हाथ अपने मालिक का पकड़ लिया, जिसने हाथ अपने खुदा का पकड़ लिया, वो क्या ही इंसानों से डरेगा, इंसानों ये आपकी स्थिति ही नहीं समझ रहे, आप तो ऐसी स्थिति में हो जहां पर इंसान आपको क्या ही बुरा फील कराएंगे, आप उस पावर में हो जहां इंसान आपको क्या बुरा फील कराएंगे, तो जब इंसान आपको बुरा फील कराएंगे ही नहीं तो आप उनके लूप में जाएंगे ही नहीं, जहां इतने लोगों ने सारी जिंदगी बुरा बोला तो वहां 10 5 लोग और बोल लेंगे, ठीक है, आप इस, मैं आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ कि आप इस एनर्जी में हो, इनके ख्वाब कुछ और हैं, ये आपको बेइज्जती का डर दिखाना चाहते हैं, ये थोड़ा आपको ह्यूमिलिएट करके, आपको गिल्ट करके, गिल्ट में डाल के, ऐसा सब करके आपको वापिस अपनी, मतलब आप इनको लोक लाज से, लोक लाज के डर से आप इनकी लाइफ में आपकी लाइफ में इनको एंट्री हो जाए, आपकी एनर्जी में ये टैपिंग कर जाए, कुछ भी करके एक बार के लिए इनका एंट्री हो जाए, उसके लिए जो पर ये जो ये मूर्ख व्यक्ति ये भूल गए कि ये तरीका ही गलत है इनका, आप फॉरगिविंग हैं, आप फियरफुल नहीं हैं, आपकी बात कर रही हूं मैं, डिवाइन सोल्स आप फॉरगिविंग जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डरपोक हैं, ये लोग डर का और माफी का फर्क ही नहीं समझते हैं, माफ तो आपने कर ही दिया है तभी ना आप इस ऊर्जा में आ पाए, इतनी फियरलेसनेस में आ पाए, आप माफ किए बिना इतना फियरलेस हो ही नहीं सकते थे, इतना इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते थे आप माफ किए बिना, आप माफ करोगे तभी आप उस ऊर्जा में आओगे,
माफ ना करने वाला व्यक्ति जीवन में ग्रो ही नहीं कर पाएगा कभी। आपने माफ किया तभी ना आप आगे बढ़े। ये दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है पास्ट में अगर इन्होंने कुछ कर भी दिया तो क्या हो गया, तो इनको आपको आपको समझना चाहिए, ठीक है, और एक्सक्यूजेज ऐसे ऐसे देंगे आपको। आपको फ्यूचर का डर दिखाया जा रहा है, आपको फ्यूचर मतलब आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर निकलोगे तो आपका भी फ्यूचर है, तो आप तो उस फियरलेस एनर्जी में मुझे दिख ही नहीं रहे हो, कहीं से भी आप निकल चुके हो। जो व्यक्ति इस ऊर्जा में आ जाए कि जिसका अब कुछ भी करके दिल ही नहीं टूट रहा है, दिल ही नहीं दुख रहा है, कितनी ही बेइज्जती कर लो, कितनी ही जिल्लत कर लो, कितने ही कटघरे में खड़ा कर लो, आपको वो है ही नहीं डर, आपको कैसे ये अपने अड्डे में ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। एक लास्ट गाइडेंस में और देख लेती हूँ आपके लिए, देखिए एम्प्रेस, मैंने कहा ना ये व्यक्ति का घमंड, ईगो, इन व्यक्ति का ईगो, घमंड और चालबाजियां ही, ये देखिए कैसे एम्प्रेस की एनर्जी, और ये जो दो हाथ दिख रहे हैं आपको, ये घमंड ने इसको जकड़ा हुआ है, इसके 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 अपने ही अंदर के ईगो ने इसको जकड़ा हुआ है, और इसी यही यही ईगो इसका भयंकर दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि यही ईगो कारण बनेगा आपका इनको कोई चांस ना देने का, ठीक है, यही ईगो कारण बनेगा कि ये एक व्यक्ति होता है जो खुद को दुखी, खुद को कष्ट में दिखा के अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करके चीज़ें अपनी लाइफ में ठीक कर लेता है, ठीक है, लेकिन इनका जो ये एनर्जी है, ये ईगो है, ये इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि ये अभी भी ये नहीं दिखा रहे हैं कि ये पछता रहे हैं इसलिए ये आपकी लाइफ में एंट्री चाहते हैं, ये दिखाते हुए आ रहे हैं कि ये इतने महान हैं कि इन्होंने जो पास्ट में आपके मुंह पे तमाचा मारा था उसके लिए इन्होंने खुद ही अपने आप को माफ़ कर दिया है। आप इनको चांस नहीं दे रहे हो क्योंकि आप पास्ट को रिलीज नहीं कर सकते हो, आप भूल नहीं सकते हो पास्ट को, आप फॉरगिविंग नहीं हो, तो जब अप्रोच ही गलत है तो परिणाम कैसे सही होगा। जिन लोगों की अप्रोच गलत होगी उन लोगों का परिणाम कभी सही नहीं होगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनका ये जो लास्ट में एम्परर का कार्ड आ गया है, इनका क्या बनेगा इनका खुदा ही जाने, ठीक है, अगर तो ये खुदा को थोड़ा बहुत मानते हैं तो, जो कि मुझे लगता नहीं है।